कि आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को दो बार चुराया जा चुका है। दरअसल 1974 से पहले जूल्स रिमेट ट्रॉफी दिया जाता था, जो पूरी तरह से गोल्ड से बना था, जिसमें ये जो लेडी थी वो ग्रीक की देवी थी। एक्चुअली 1966 फुटबॉल वर्ल्ड कप के 4 महीने पहले इस ट्रॉफी को एक हॉल में डिस्प्ले किया गया, लेकिन अगले ही दिन गायब हो गया। कुछ दिन बाद फुटबॉल एसोसिएशन को एक रिटर्न मैसेज आता है जैक्सन के नाम से कि अगर ट्रॉफी वापस लेना है तो 15,000 पाउंड देना पड़ेगा। वैसे इसकी जो कीमत थी उस टाइम 30,000 पाउंड थी, लेकिन जब इस बंदे को फेक मनी के जाल में पकड़ा गया तो इसके पास तो ट्रॉफी थी ही नहीं, जिसके कारण इसे 2 साल के लिए जेल भेजा गया। इस घटना के एक वीक बाद एक ऑफिसर के डॉग को एक पैकेज मिला। पहले तो इसे बॉम्ब समझा गया, लेकिन जब खोल के देखा तो इसमें ट्रॉफी था, जिसे 1966 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के विनर इंग्लैंड को दिया गया। लेकिन 1970 में ब्राजील के 3 बार ट्रॉफी जीतने के बाद उसे परमानेंटली ट्रॉफी दे दिया गया, लेकिन 1983 में इसको दोबारा चुरा लिया गया और दोबारा कभी मिला नहीं, जिसके कारण फीफा अब ओरिजिनल ट्रॉफी अपने पास रखता है और इसका रेप्लिका यानी इसी के जैसा दूसरा विनर टीम को दिया जाता है, जिसमें बस गोल्ड से ऊपर से लेयरिंग होती है, लेकिन ओरिजिनल वाला पूरा गोल्ड से बनाया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब।